स्वतंत्र जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, तो एक और बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की, यह बड़ी खबर है। ओलंपिक खिलाड़ियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। ओलंपिक पदक विजेता हैं जिनसे आज मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो ली है, ये बड़ी जानकारी है। आज ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री मिले हैं और ये मुलाकात पेरिस ओलंपिक में ये जो खिलाड़ी हैं उनके पार्टिसिपेट करने के बाद जब लौटे तो उसके बाद। तो गुरुग्राम नगर निगम की बड़ी पहल है, आपको बता दें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के चर्चा होनी है, किस तरीके से उसमें आपकी और हमारी भागीदारी है और किस तरह से ये जो कचरे का प्रबंधन है किया जाना है, इस पर ये खास कार्यक्रम गुरुग्राम नगर निगम की ये विशेष पहल है। सीधे आपको वहां ले चलते हैं। लिहाजा हमारे देश के लिए गौरवान्वित है और हम सब आप लोगों के साथ इस पल का साक्षी बन रहे, तो लिहाजा हमसे ज्यादा गौरवान्वित आप होंगे। देखिए 2 अक्टूबर 2014 से जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई तो ये सफर लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और काफी हद तक देश ने और देश के उन तमाम कर्मठ लोगों ने उस मिशन में अपना सहयोग दिया है। तो लिहाजा आज हम 78वें स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ स्वच्छता के क्षेत्र में कितने नए आयाम गढ़े गए हैं और कितने हद तक आज हमारा देश स्वच्छ भारत मिशन के साथ आगे बढ़ा है, उन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे साथ लगातार कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आप सभी का मैं चाहूंगी कि एक बार आप तालियां बजाकर उन सभी का स्वागत भी कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तालियों की गड़गड़ाहट प्रोत्साहित करता है बात करने में और जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उनके लिए भी। तो सबसे पहला सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें मैं खास मेहमानों को आमंत्रित करना चाहूंगी ऑन स्टेज। डॉक्टर नरेश कुमार जी, जॉइंट कमिश्नर स्वच्छ भारत मिशन गुरुग्राम के, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी कि सर आप आइए स्टेज पर। और संजय ककरालिया जी जो कि डायरेक्टर हैं फिर भी रियल स्टेट गुरुग्राम के, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगी कि आप भी मंच पर आए। और शेखर तनेजा जी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं गुरुग्राम।